दुआसा ग्राम वासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई दलजीत सिंह तालू और पंजाब से आए सरदार मनजीत सिंह चेयरमैन साहब, मैं गांव रुवासा की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी, पहली बात तो जो युवा साथी इन ठान ली आम आदमी पार्टी के साथ लग गए, बेड़ा पार हो गया। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट झाड़ू के निशान पर बटन दबा के भाई दलजीत तालू को विधानसभा में पहुंचाओ, ये आपकी आपके हलके की बुलंद आवाज करके अपने भविष्य बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब में मोदी के गढ़ में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं। थोड़े टाइम में इतना बड़ा संगठन इस भारत में उभरती हुई पार्टी मेरे हिसाब से तो आज तक भारत में नहीं हुआ होगा। दिल्ली में जब सरकार आई आम आदमी पार्टी की, सबसे पहले हमारे अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली की फ्री करी। आम कोई वादा नहीं था, फिर भी दूसरी बात शिक्षा की आई, शिक्षा का सत्र इतना बढ़िया कर दिया, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने का बेटा, एक डॉक्टर का बेटा, एक डीसी का बेटा एक बेंच पर पढ़ा दिया। स्वास्थ्य की बात आए, गांव गांव में मोहल्ला कल्ली खुला दिए, और चाहे 1 रुपया लगो हॉस्पिटलों की ऐसी दिशा और दशा बदल दी कि जमा जो 5 स्टार होया करे उसकी तरह, इलाज चाहे 1 रुपया लागो चाहे 10 लाख रुपये लागो चाहे 50 लाख रुपये लागो, इलाज बिल्कुल फ्री। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, समय का अभाव और प्रोग्राम ज्यादा है, मैं पंजाब से आए मनजीत सिंह चेयरमैन से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार रखें। जितने भी गांव के आए मेरे बुजुर्ग और युवा के मेरे भाई, सभी को नमस्कार। जब पंजाब से हम आ रहे थे, रास्ते में सोच रहे थे कि जाके क्या बोलेंगे, मन में था कि बीजेपी की सरकार 10 साल रही है, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, बहुत कुछ हुआ होगा, कितने काम होएंगे, कि जाके क्या बोलेंगे कि हम क्या करेंगे। जब 10 दिन से हल्के में घूम रहे हैं, सड़कों में पानी खड़ा है, चिक्कड़ है, इतना कुछ भी नहीं विकास हुआ पंजाब के बराबर जितना 2.5 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कर दिया, जहां तो कुछ भी विकास 10 साल में भी नहीं हुआ। वो एक बात है, जैसे नौजवान जहां पे इतने मेरे वीर युवा मन बनाई खड़े हैं, सभी लोगों को मैं बेनती करता हूं, जे अपने 5 दिन तुम पार्टी के लिए दे दो, आपको गांव में कोई हराने वाला नहीं। इसी तरह जितने भी युवा वीर हैं वो अपना अपना गाँव में मेहनत करें और भाई दलजीत जी को जिता के विधानसभा में पहुंचाओ। आप अपने 5 दिन दे दो, दलजीत भाई जी आपको अपने 5 साल देंगे। सभी अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लो, पंजाब में इतना विकास हुआ है, आप अपने किसी रिश्तेदार से फोन करो, दिल्ली में करो, पंजाब में करो, जे कोई आपको बोले कि जहां काम नहीं हुआ तो वोट मत देना। उन लोगों को तो आपने 10 साल वोट दिया, कांग्रेस को उससे पहले कांग्रेस को भी वोट दिया, हम तो पहली बार वोट मांगने आए हैं आपसे, और आप अपना कीमती वोट आम आदमी पार्टी को दो। दलजीत भाई, तुम जैसा भाई है, आप उसको कंधा पकड़ के भी ले जाओगे कि भाई मेरा जे काम है कोई भी काम करवा सकते हो, वो नेता है, वो तो आज 10 दिन आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, बाद में आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने आप लोगों से दलजीत भाई को चुना है, इतना अच्छा आपको कैंडिडेट दिया है, मैं आपको बेनती करता हूं फिर
जितने भी नौजवान है अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लो, 5 दिन संभाल लो, 5 साल भाई आपको कोई तकलीफ नहीं आने देगा। धन्यवाद। भाई दलजीत सिंह तालू, अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव रिवासा में ऐसे नौजवान बच्चों को देखकर तो बुजुर्ग भी बैठे हैं, बड़ा हौसला होता है। क्योंकि अभी जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, जो चीज़ नौजवान बच्चे मन में सोच लें उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, वो उस काम को पार करके रहते हैं। और आप तो वैसे भी गौ सेवक बच्चे बता रहे हैं, ज़्यादातर गौ सेवक है, तो इससे आपको तो पता ही है सारी चीज़ों का। जो चीज़ सोच लियो करके छोटो, जो अपना मुसलमान गौ भर भर ले जा रहे थे वो बंद करवा दिया आप लोगों ने। इतनी हिम्मत करी है, अपनी जान भी नछावर करने के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हो। तो भाई चेयरमैन साहब ने बताई, ओमवीर यादव ने बताई, आम आदमी पार्टी का आज से 10 साल पहले गठन हुआ था और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन पर बैठे थे और वहाँ उस टाइम जो भी सरकार थी उन्होंने कहा कि अगर ऐसे काम होते तो हम कर देते, अगर आपने ऐसे ही काम करने का शौक है तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते। तो भाई अरविंद केजरीवाल जी ने उनका जो चैलेंज था वो स्वीकार कराया और आम आदमी पार्टी का गठन कराया। चुनाव हुआ, 28 सीट आई, पूर्ण बहुमत नहीं आया, क्योंकि एक अचानक 6 महीने की बनाई हुई पार्टी, 6 महीने पहले जिस पार्टी का गठन हुआ उसकी अचानक 28 सीट आना, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पार्टी है। फिर वहाँ आपके भलाई के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए मूलभूत जो सुविधा हमारी उनको पूरा करने के लिए जब अरविंद जी ने कांग्रेस के विधायकों से कहा कि भाई इस पर अपनी थोड़ा काम कर लिया, जनता का भला हो जाए, तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई हम इस प्रपोजल पर साइन नहीं करेंगे, इस प्रस्ताव को हम पास नहीं होने देंगे। तो आज इस टाइम में कोई एक आदमी पीएन की नौकरी भी मिल जाती है उसको भी नहीं छोड़ सकता। और अरविंद जी की हिम्मत देखो, आपके बेटे की, आपके भाई की जो भिवानी का ही है, शिवानी में खेड़ा गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ और दिल्ली में जाके इतिहास रच दिया, पंजाब में भी रच दिया, गुजरात में भी, 3 राज्यों में सरकार है, 3री जगह में मिले, 4 जगह मिले अपने। तो इस तरह भाई उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, दोबारा से चुनाव हुआ, 70 सीट का मतलब 67 सीट ले गए, 3 सीट छोड़ी, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी हमारी तरह अनपढ़ नहीं है। इसलिए यहाँ तो हरियाणा के अंदर तो फिलहाल बीजेपी सरकार ने जिला वाइज, आप एक रिकॉर्ड निकाल के देख लो, फोन में निकला होगा, कम से कम 20 से 30 स्कूल जिला वाइज बंद करवा दिए थे फिलहाल। बीजेपी और कांग्रेस का शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ये तो एक बार तो बीजेपी आ जाती है, एक बार कांग्रेस आ गया है, कभी इन लोगों के साथ गठबंधन करके आ जाए, कभी बीजेपी के साथ करके आ जाती है, इन्होंने तो दोनों हाथों से लूटने का काम हमारा भला नहीं कर सकते। आप लोगों ने सभी को वोट करके देख लिया, आपने बीजेपी भी बनाई, कांग्रेस भी बनाई, इनलो भी बनाई, जेजेपी भी बनाई, सभी को बना के देखा, किसी ने आपका कोई काम कराया हो, बच्चों के रोजगार के लिए कराया हो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो सरकारी नौकरी थी वो तो भरने का काम कराया, वो कराया, इससे अलग जो प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनकी मीटिंग बुला ली कि हमारे दिल्ली के बच्चों को नौकरी दे दो, अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा, हमने बच्चे लगाने हैं, हमने बेरोजगारी नहीं चाहिए। तो दिल्ली में सरकारी नौकरी से अलग 10 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम कराया, तो वो अरविंद केजरीवाल ने कराया, वो आपके भाई आपके बेटे ने कराया। तो भाई मैं तो यही कहने के लिए आया हूँ कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं आई, आम आदमी पार्टी राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए आई है, और जो कि बदल के दिखा भी दिया पंजाब में और दिल्ली में, दिल्ली का मॉडल पंजाब में पेश किया और वहाँ 117 सीट का मतलब 92 सीट आई, वहाँ भी कमाल कर। तो अरविंद जी कहते कि मैं हरियाणा का भिवानी का बेटा हूँ, मैं हरियाणा में भी ये काम करना चाहता हूँ, अगर आप लोग अरविंद जी को वहाँ भेजने का काम करोगे, सभी 90 विधायक
चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, अगर बहुमत के साथ वहां भेजोगे तो हर हाल में वो काम करेंगे। लेकिन इससे अलग भी अरविंद जी अभी तीन दिन पहले भिवानी आए हुए थे, उन्होंने कहा है हरियाणा के अंदर हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये मैं गारंटी दे के जाता हूँ, आम आदमी पार्टी के बगैर हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, कोई भी पार्टी फुल बहुमत में नहीं आएगी। अगर आम आदमी पार्टी के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनती है तो हम जो ये मूलभूत सुविधा है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमारी बहनों के लिए किराया जो माफ है, ये सभी सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक है, अगर ये उन्होंने इस चीज की गारंटी नहीं दी तो हम वो दोबारा से उसका गठबंधन तोड़ देंगे, हम सरकार नहीं चलने देंगे। हमने तो सिर्फ राजनीति करने आए ही नहीं, बहुत ज्यादा काम करे हैं, बताते लिए वोट करोगे उसका निशान है झाड़ू और तीन नंबर पर बटन है, उसको दबा दो। आप तो युवा साथी हो, पूरे गांव में घर घर फैल जाओ, जितने जो भाई यहाँ नहीं आया कहीं बाहर गए होंगे आपके साथी, सबसे मुलाकात करो कि भाई हमने इस बार अपने लिए वोट करना है, आपको रोजगार की गारंटी देंगे हम। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपका भाई आपका बेटा बन के काम करूंगा, नेता बनकर नहीं। जिस टाइम भी आप याद करोगे मैं खुद यहाँ खड़ा मिलूंगा कि आप लोगों की जो भी कोई सुविधा होगी उसके लिए आप तो बताओगे, यहाँ बिजली की हो, पानी की हो, शिवर की हो, सड़क की हो, जहाँ भी कोई भी वह होगी वो हम पूरी करवाने का काम करेंगे। तो आप लोग वोट दोगे आम आदमी पार्टी को, मन बना लिया के, अगर युवा मन बना ले हमने तो फिर कोई रोक नहीं सकता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार सुने, थैंक यू। सबसे पहले